अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। जून 2023 के अंदर 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कितना खर्चा आने वाला है। आपको पता है, जो बंदा 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है मैं अपना सिस्टम जो है इंक्रीज कर लूँ और अपने सिस्टम के ऊपर जो है अपने घर का 1-1.5 टन का एसी चला लूं। क्योंकि जो आपको पता है, गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत यही होती है कि लाइटें, पंखे और अगर हो सके तो जो बड़ा सिस्टम हो, जैसा कि ये 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आप अपने घर का जो सा एक एसी चला सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको यही बताएंगे। बजारन आपका 2 किलोवाट का सिस्टम होगा, लेकिन आप जो सा आने वाले दिनों के अंदर थोड़े से सोलर पैनल और करके तो इसी सिस्टम के ऊपर आप जो है 1 अदद एसी भी चला सकते हैं। इसके अलावा घर का जितना भी तकरीबन लोड होता है 3 किलोवाट के अंदर रहते हुए आप सारे का सारा इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको एक एक चीज का रेट बताएंगे, यानी कि सोलर पैनल है जून के अंदर इसका रेट क्या चल रहा है, इसके अलावा सोलर इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ हम कौन सा लगाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता जाऊं, आपके बजट को मद्देनजर रखते हुए इस सिस्टम के साथ जो इन्वर्टर मैं आपको बताऊंगा, वो इन्वर्टर अगर आप लोग लगवाते हैं, यानी कि आप लोगों का खर्चा भी टोटल जो है कम होगा। फिल वक्त जो है आप अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आप लोगों का 2 किलोवाट का सिस्टम प्रॉपर चलता रहेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर आप इसके साथ जो है मजीद 2 सोलर पैनल लगाएंगे तो आप इस सिस्टम के साथ जो सा एसी है वो भी चला सकते हैं। वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, जो लोग 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, उन लोगों की ख्वाहिश असल यही होती है कि हम लोग जो है आने वाले दिनों के अंदर जो है अपने घर का 1 AC चला लें। यहाँ ज्यादातर लोग ये होते हैं कि फैमिली के अंदर होते हैं, तकरीबन 5-6-7 पंखे होते हैं, इसके अलावा घर में लाइट, इसके अलावा वाटर पंप, इसके अलावा घर में जो भी 2 किलोवाट के अंदर चीजें होती हैं वो चलाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर आज के दौर में यही देखा गया है कि ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि बजट अभी जो है इतना नहीं है तो हम जो है 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं और आने वाले दिनों के अंदर हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो इस तरह का हो कि आने वाले दिनों के अंदर हम सोलर पैनल को ज्यादा करें और अपने सिस्टम को 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के अंदर ले जाएं, ताकि हम अपने सिस्टम के ऊपर 1 अदद जो है एसी चलाएं और बकाया घर का भी जो लोड है मैनेज करके इस सिस्टम के ऊपर चला सके। क्योंकि मौजूदा हालात देखते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि सोलर सिस्टम को लगवाना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। इसी वजह से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये 2 किलोवाट का सिस्टम, ताकि आने वाले दिनों के अंदर अगर आप लोगों के पास इतना बजट आता है तो आप इसी सिस्टम को जो है बड़ा कर सकते हैं, यानी कि आप इसी सिस्टम को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर क्या क्या चीजें चलाई जा सकती हैं। यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, अगर आप लोग अपने घर का 1 टन का या 1.5 टन का एसी भी चलाना चाहें तो आप लोग इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन यह बात मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप लोग एसी इस सिस्टम के ऊपर चलाएंगे तो आप लोगों को जो सोलर से जनरेशन होगी वो पूरी नहीं होगी, तो आप लोगों को जो है वाडा के साथ शेयरिंग करके चलानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, अगर आप लोग इस सिस्टम के ऊपर 1-1.5 टन का एसी चलाते हैं तो आप लोगों का जो सिस्टम होगा वो 2 किलोवाट का, यानी कि 2000 वाट का है, तो आपको जो सोलर से जनरेशन होगी वो 1500, 1600, 1800 हो। अगर आप लोगों का एसी जो है वो 1800 वाट का है, तो अगर यहाँ से सोलर से जो जनरेशन हो रही है वो 1500 वाट की है, तो जो 300-400 वाट के ऊपर होगी वो आपके वाडा से वो शेयरिंग के साथ चलाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, इस सिस्टम के ऊपर जो है आप लोग जो है चला सकते हैं अपना एसी भी, लेकिन वाडा के साथ शेयरिंग के साथ चलाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, आप अपने घर के पंखे, लाइटें, इसके अलावा वाटर पंप, इस्त्री, ओवन, घर की तकरीबन आप सारी चीज़ें चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है 2 किलोवाट की रेंज के अंदर रहते हुए चलाएंगे तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोगों का महाना जो बिजली का बिल है वो काफी हद तक कम हो जाए। क्योंकि जिस मकसद के लिए आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया है, अगर आप लोग उसको मैनेज नहीं करेंगे तो आप लोगों को सोलर सिस्टम का फायदा नहीं होगा। जी, अभी बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ जो लगाया जाएगा, आप कोई भी लगा सकते हैं, लोंजी, जिनको, कैनेडियन, इसके अलावा JA, ज्यूनिक है, इसके अलावा इनवरेक्स का, जो कि आपको पता है TR1 के अंदर आते हैं, इनमें से आप कोई भी सोलर पैनल लगा सकते हैं। 545 वाट के आप लोगों ने 4 सोलर पैनल लगाने होंगे इस सिस्टम के साथ।
अगर आप लोग इसकी प्राइस देखी जाए तो आपको 90 रुपीज से लेके तकरीबन आपको 95 रुपीज पर वाट के हिसाब से मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग जो से 92 या 90 रुपीज पर वाट के हिसाब से भी लगाते हैं तो एक सोलर पैनल की प्राइस जो सी है 50,000 बन रही है, और चार सोलर पैनल की प्राइस जो सी सामने स्क्रीन पर भी आ रही होगी 2,00,000 रुपए आपका बन रहा है ये चार सोलर पैनल का। यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, इस सोलर पैनल की जो वारंटी होती है वो 10 साल की और 25 साल की लाइफ की वारंटी होती है। जी अभी बात कर लेते हैं सोलर स्टैंड की, तो सोलर स्टैंड जो सा है गल्वेनाइज स्ट्रक्चर लगाया जाएगा L2 का। तो L2 का स्टैंड अगर बात करें 6,800 रुपए का एक स्टैंड है, तो इस सिस्टम के साथ आप लोगों ने लगाने होंगे दो स्टैंड। जी इसके बाद बात कर लेते हैं सोलर वायर की, तो सोलर वायर मैं आपको बताता हूं ये आपकी लोकेशन के हिसाब से होते हैं। हम रफ सा एक आइडिया लगा दें 6 mm की टिन कोटेड वायर अगर आप लोग लगवाते हैं तो 4,500 रुपया आप लोग जो है इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं, यानी कि ये बकाया जो सी आपकी लोकेशन के हिसाब से होता है। हम एक रफ सा आपको आइडिया दे देते हैं, 4,500 रुपया आप इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ लगाया जाएगा वो है फोरोनस का प्लाटिनियम सीरीज का PV3200। यानी कि अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं तो आप लोग जो है फिल वक्त जो है 2 kW का सिस्टम जो है आप इस सिस्टम के ऊपर इजीली चला सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर आप लोग दो सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगाते हैं तो आप लोग जो है 3 kW का सिस्टम आप लोगों का बन जाएगा। आप लोग घर का अपना 3 kW का लोड इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं, यानी कि आप लोग जो है एक AC भी इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, इस इन्वर्टर को इस वजह से इस सिस्टम के साथ लगाया गया है क्योंकि आपको पता है जो लोग 2 kW का सिस्टम लगा रहे हैं जाहिर सी बात है उसके पास इतना अभी बजट नहीं है कि वो इनवरेक्स का या किसी भी दूसरे ब्रांड का जो कॉस्टली है वो लगा सके। तो इस वजह से ये इन्वर्टर जो है आप इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। फिल वक्त आपका बजट भी जो है नॉर्मल है और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर आप इस सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर इस सिस्टम की प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन आपको 90,000 रुपए का आपको मिलेगा। जी इसके बाद बात कर लेते हैं मेन डीपी बॉक्स की। मेन डीपी बॉक्स की अगर बात करें तो आपको पता है हमने अक्सर जो से प्रोजेक्ट लगाए हैं उसके अंदर आपको दिखाया भी है, अंदर आपको पता है हल्के और अच्छी क्वालिटी के जो से ब्रेकर रिले हर चीज लगाई जाती है। लेकिन अगर आप लोग रफ सा आइडिया लगाते हैं तो तकरीबन 17,500 रुपए का आप लोगों को ये एक डीपी बॉक्स लगाया जाएगा। ये भी बात कर लेते हैं लास्ट पे जो सी है बैटरी सिस्टम के साथ कौन सी लगाई जाएगी। अगर आप लोग जो सी है इस सिस्टम के साथ लेड एसिड बैटरी लगाते हैं तो वो आप लोग जो सी अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, चाहे वो कोई 20,000 रुपए की लगा ले या आप लोग कोई 30-35,000 रुपए की लगा लें। लेकिन यहां पर मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, जो मैं इस सिस्टम के साथ आपको लगा के दूंगा वो बैटरी है टाल ट्यूबर। आप कोई भी बैटरी लगा सकते हैं फोनिक्स की, उसाका की, इसके अलावा एक साइड की कोई भी अगर लगाते हैं तकरीबन 60,000 रुपए की एक बैटरी है। तो आप लोगों को जो सी है दो बैटरी सिस्टम के साथ लगानी होगी, तो दो बैटरी की प्राइस जो सी है 1,20,000 रुपया दो बैटरी की प्राइस बनती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के चार्जेस। तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस आपको पता है वो लोकेशन के हिसाब से होते हैं, आपके एरिया के हिसाब से होते हैं, आप किस तरह का काम करवाते हैं उसी के हिसाब से आपकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस होते हैं। इसके बाद डक्ट पट्टी है, इसके अलावा रावल बोर्ड, जो भी तकरीबन छोटी छोटी चीजें हैं वो आपकी मर्जी के हिसाब से होती हैं, आप किस तरह का काम करवाते हैं वो मौके की मुनासिबत से होती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के पैसे होते हैं वो जो से है वो आप अपने एरिया से अगर परचेज कर रहे हैं तो वो आपको थोड़े से होंगे, अगर आप किसी दूसरी सिटी से या किसी एरिया से परचेजिंग करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है उसका खर्चा जो सा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर देखा जाए ये 2 kW के सोलर सिस्टम पर कितना खर्चा आ रहा है, ये तकरीबन 4,45,600 रुपया तकरीबन ये 2 kW के सिस्टम पर आ रहा है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दो सोलर पैनल लगाने होंगे तो आप लोगों का जो सा 3 kW का सिस्टम तैयार हो जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।